नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत मशीन में। आज हम बात करने वाले कि किस तरह से आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर सकते हो। तो देखिए, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जिन जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट में लॉगिन किया है, वहीं आपकी जो जितनी फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली हम समझ लेते हैं कि किस तरह से फाइल मैनेजमेंट वर्क करेगा। तो जैसे कि देखिए, आप अपनी वेबसाइट में ढेर सारे ऐसे फीचर प्रोवाइड करते हो, जैसे कि कोई यूज़र आएगा और आपकी वेबसाइट में से कोई पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड करेगा, जैसे कि PDF हो गया और दूसरी फाइल। तो जैसे कोई यूज़र वहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली लॉगिन फॉर्म आएगा, लॉगिन करने के बाद ही वो फाइल डाउनलोड कर सकेगा। तो इसी तरह का हम आज के वीडियो में कम्प्लीट एक सिस्टम बनाएंगे, वो मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं आपकी जो अपनी वेबसाइट में फाइल ऐड करने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको एक्चुअली करना क्या है इस तरह की कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जनरली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट ऐड करके, और इसमें यहाँ पे हम एक फाइल ऐड करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे यूज़र डायरेक्टली आपकी पोस्ट में से एक फाइल डाउनलोड कर सकेगा। तो मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फाइल है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक PDF फाइल है, यहाँ पे हम यूज़र को PDF फाइल प्रोवाइड करके वो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं रन कमांड्स। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको जो भी लिखना लिख सकते हो, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं आपको देखा तो जनरली क्या करते हैं लोग, देखिए यहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड, इस तरह से देखिए डाउनलोड PDF फाइल। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ जाके इस फाइल को अपलोड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इस PDF फाइल को सिलेक्ट करके और कॉमनली यहाँ पे हम इसको URL असाइन कर देते हैं, ताकि कोई भी यूज़र इस PDF फाइल पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली इसको जो डाउनलोड फाइल वो डाउनलोड कर सके। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया PDF फाइल और यह इसको हमने लिंक भी असाइन कर दी। तो अब देखिए, अब होगा क्या कि इस पोस्ट को हम पब्लिश करते हैं, आप अपनी तरह से इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ और यहाँ पे इसे हम कैटेगरी असाइन कर देते हैं अदर, और यहाँ पे इस फाइल को मैं अपडेट कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं इस पोस्ट को विजिट करके आपको दिखाऊंगा कि पोस्ट किस तरह से वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं इस पोस्ट को ओपन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली किस तरह से वर्क करेगा। तो देखिए, आपने मान लीजिए यहाँ पे अपने एक पोस्ट लिखी, इसके बाद आपने यहाँ पे एक PDF फाइल डाउनलोड करने की लिंक प्रोवाइड की यूज़र को, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कोई भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो या तो इसे PDF फाइल ओपन होगी या तो डाउनलोड होगी, वो इसके ब्राउज़र पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास गूगल क्रोम है, तो देखिए PDF फाइल ओपन हो चुकी और डायरेक्टली वो यूज़र यहाँ पे क्लिक करके इस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकता है। तो देखिए, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें कैसा करना है कि कोई भी यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, देखिए डाउनलोड PDF फाइल पे, तो ऑटोमेटिकली एक पेज ओपन होगा नए पेज में या तो यहीं पेज में, और वहाँ पे डायरेक्टली यूज़र को आएगा कि लॉगिन फॉर्म, लॉगिन करने के बाद ही ये यूज़र जो PDF फाइल को डाउनलोड कर सकता है, ऐसा हमें करना है। तो इसके लिए अब यहाँ पे हमारे जो रियल स्टेप स्टार्ट होते हैं, तो यहीं पोस्ट का हम यूज़ करेंगे और इसी पोस्ट में हम रिस्ट्रिक्शन ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्लगइन चाहिए, प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्लगइन, इसके बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करके आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना। तो देखिए, यहाँ पे प्लगइन सेक्शन ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपको लिखना है वर्डप्रेस डाउनलोड मैनेजर। तो आपके सामने एक प्लगइन आ जाएगा, इस प्लगइन को आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको इंस्टॉल करना है। इसकी मदद से यहाँ पे आप आसानी से एक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो आपके यूज़र के लिए, वो भी फ्रंट एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो देखिए, प्लगइन आ चुका है, इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करना है। इस फाइल की मदद से आप यहाँ पे एक डिजिटल स्टोर भी ओपन कर सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पे इस प्लगइन को एडवांस में यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं आपको जस्ट एक फाइल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, इसके बाद यहाँ पे हमने सक्सेसफुली प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। इसके बाद आपको जाना है सबसे पहले डाउनलोड, और आपको अब यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखा देगा, डाउनलोड देखिए यहाँ पे दिखा देगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो भी आपने रिसेंटली जो पोस्ट बनाई थी इसमें आपने जो फाइल अपलोड की थी वही फाइल को आपको यहाँ पे ऐड करना है ये डाउनलोड मैनेजर में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऐड न्यू पे क्लिक करके जो आपने PDF फाइल यहाँ पे अपलोड की थी रिसेंटली, इसी को आपको यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर में लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी जो फाइल है इसका यहाँ पे टाइटल लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ देखिए इस तरह से। इसके बाद आपको देखिए इस प्लगइन के खास फीचर है, डायरेक्टली आप यहाँ से आपकी फाइल को अपलोड कर सकते हो। देखिए, मेरे पास ऑलरेडी PDF फाइल है, तो इसे आपको सोच करना है और यहाँ पे आपको डायरेक्टली इस फाइल में आपको इसे अटैच करना है इस पोस्ट के साथ। तो देखिए, यहाँ पे रन कमांड की फाइल सक्सेसफुली इस पोस्ट के साथ अटैच हो चुकी है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपके मुताबिक यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आपके SEO रैंक के लिए।
तो यहाँ तो मैं जस्ट आपको एक सिखाने के लिए एक पोस्ट बना रहा हूँ सिंपल। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप टैग बैग वगैरह ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके इस फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, जैसे कि इसका वर्जन, इसके बाद इसका लिंक किस तरह से यूज़र को शो होगी, डाउनलोड फाइल वगैरह, इसकी साइज़ यहाँ पे आप अपने मुताबिक रख सकते हो, जितनी भी आप रखना चाहते हो यूज़र को दिखाने के लिए। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे जो खास फीचर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, वो वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको फ्रंट एंड यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट में ऐड करनी है तो इसके लिए आपको प्लगइन ऐड करना पड़ेगा। इस प्लगइन का नाम है अल्टीमेट मेंबर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यही प्लगइन की मदद से ये सब कुछ पॉसिबल है। और इसका बेनिफिट मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ कि इस बेनिफिट क्या है आपको, वरना तो डायरेक्टली आप अगर आपको इस प्लगइन का यूज़ नहीं करना है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन इसमें यूज़र है वो आपकी जो वर्डप्रेस की बैकएंड एक्सेस कर सकते हैं, तो इसी रीज़न से यहाँ पे मैं आपको ये प्लगइन का यूज़ करने को रेकमेंड करता हूँ। इसीलिए आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ जाके वीडियो देखना है। इसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह से फ्रंट एंड वर्डप्रेस में यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर सकते हो। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अल्टीमेट मेंबर, ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद आपको प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऑप्शन को एनेबल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि कंटेंट एक्सेसिबल लॉगिन यूज़र, और आपको यहाँ पे रोल चूज नहीं करना है, डायरेक्टली आपने जो फाइल यहाँ पे की है इसे पब्लिश करना है, तो आपकी फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखिए इस फाइल की लिंक को आपको कॉपी करना है यहाँ से, तो आपको अपना डायरेक्ट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से जाना है जो आपने रिसेंटली आपकी पोस्ट लिखी थी इसमें जो आपने फाइल अटैच की थी वहाँ पर जाना है, और आपको देखिए यहाँ पर इस लिंक को आपको एडिट करना है, और यहाँ पर डायरेक्टली आपको जो आपकी लिंक है इसे आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर इसे असाइन कर दीजिए इस तरह से, और अब आपका काम यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद आपको इस पोस्ट को एक बार अपडेट करना है और बस इसे टेस्ट करना है कि क्या एक्चुअली वर्क करती या नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे लिंक को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पे मुझे नया विंडो में ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं अगर इसे ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है एज एडमिन। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक फाइल पे मैं रिडायरेक्ट होगा, और वहाँ पे ये फाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और लास्ट में यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड फाइल पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि फाइल, देखिए यहाँ पे रन कमांड सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हम नए विचर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए एक नया ब्राउज़र है, यहाँ पे हमने लॉगिन करके नहीं रखा है, तो यहाँ पे हम इस पोस्ट को ओपन कर देते हैं जो रिसेंटली हमने लिखी थी, यानी कि पोस्ट को हमने रिसेंटली पब्लिश किया था। अब देखिए यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है, तो मान लीजिए यहाँ पे नया यूज़र आया और इसने पोस्ट को ओपन की, और आपने आपकी जो पोस्ट में एक लिंक अटैच करके रखी है कि आप इस जो यहाँ पे पर्टिकुलर फाइल की पीडीएफ फाइल अपलोड करते हो, तो जैसे कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा पीडीएफ फाइल पे तो ऑटोमेटिकली एक लॉगिन फॉर्म आ जाना चाहिए। तो इसके देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको डाउनलोड पीडीएफ फाइल, तो अब आपको देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ होगी, यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक एक लॉगिन फॉर्म, वो भी फ्रंट एंड। तो अब देखिए यहाँ पे लॉगिन फॉर्म आ चुका है, एक ब्यूटीफुल लॉगिन फॉर्म। तो मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था कि अगर आपको ऐसा लॉगिन फॉर्म, आपको ऐसी यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम आपकी वेबसाइट में ऐड करनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में तो मैंने वीडियो के लिंक देकर रखे हैं, इसे आपको वॉच करना होगा। तो देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, इसके बाद आपको यहाँ पे मैं देखिए आपको एडमिन, और यहाँ पे जो पासवर्ड मेरा एडमिन का है वो यहाँ पे ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या एक्चुअली फाइल डाउनलोड होती या नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास तो दूसरा मैंने यूज़र ऐड करके नहीं रखा, वरना मैं आपको इसके साथ लॉगिन करके दिखाता। देखिए यहाँ पे मैंने एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड, इसके बाद मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो रिसेंटली अपने फाइल थी वहाँ पे रिडायरेक्ट होकर मैं वहाँ से डायरेक्टली इस फाइल को डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैं इस फाइल पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं एडमिन में लॉगिन हुआ तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये एडमिन बार दिखाई देगी। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली डाउनलोड फाइल पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल आसानी से डाउनलोड हो जाएगी, और इसे यहाँ पे मैं आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ। देखिए सेव फाइल, और इस फाइल को यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, और यहाँ पे इसे मैं ओपन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली इस पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। बस यही एक सिंपल मेथड है, इसकी मदद से आसानी से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ऐड कर सकते हो, वो भी यहाँ पे अगर जो लॉगिन यूज़र है वहीं इस फाइल को डाउनलोड
कर सकते हो। ये एक सिंपल मेथड है और यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर आप इस प्लगइन का यूज़ नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको ढेर सारी जो यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क रहेगी, यानी कि डायरेक्टली आप एक भी प्लगइन यूज़ नहीं करते और डायरेक्टली आपका बैकएंड एक्सेस करने देते हो तो मे बी यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन से आपका प्रॉब्लम हो सकता है आपकी वेबसाइट के साथ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने रिकमेंड करता हूँ कि आप इस प्लगइन का यूज़ कीजिए अल्टीमेट मेंबर, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक खास वीडियो बना चुका हूँ पूरी आधे घंटे का, तो आसानी से आप वीडियो को वॉच करके जान सकते हो कि किस तरह से आपको यहाँ पे इस प्लगइन का यूज़ करना है, किस तरह से आपको फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बनानी है। और कोई भी यूज़र वहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली एक नया पेज पे रिडायरेक्ट होगा और इस पेज की यूआरएल डिफरेंट होगी। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में एडसेंस का यूज़ करते हो तो मेरे ख्याल से आपको इंप्रेशन क्लिक वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। तो बस आज का वीडियो में यहीं तक था, और आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया हो। अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।